आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन कब्रों पर लोग सिर झुकाने और अपनों को याद करने के लिए जाने जाते थे, आखिर 14 साल बाद कब्र को खोदकर निकाले गए बेजान जिस्म के अलावा इस कब्र में ऐसे कौन से राज दफन थे जिनके लिए इसे खोदना जरूरी था। जिन लोगों की कब्र को खोदा गया था उनमें से एक 2 साल की बच्ची की भी कब्र थी। साल 2002 से 2016 के बीच घटा ये घटनाक्रम दिल दहला देने वाला था। केरल के कोचिकोड का ये घर थॉमस परिवार के उन 6 लोगों की हत्या का गवाह है जिनकी हत्या तो 14 साल के अंतराल के बीच हुई, लेकिन उनके रहस्य जब दुनिया के सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। आज हम लेकर आए हैं इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई। कहानी की शुरुआत करते हैं केरल के कोझिकोड स्थित कूड़ा थाई के लॉर्ड माथा चर्च के सामने मौजूद कब्रिस्तान से। 4 अक्टूबर साल 2019 को सुबह सुबह अपने साथ एक विटनेस और कुछ मजदूरों को लेकर केरल की पुलिस इस कब्रिस्तान में पहुंचती है। पुलिस के साथ मौजूद विटनेस कुछ कब्रों की तरफ इशारा करके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कब्र उसके अपने परिजनों की है। विटनेस के साथ मिलकर टीम उस कब्रिस्तान में 6 कब्रों को चिन्हित करती है जिनके बारे में ये जानकारी होती है कि ये कब्रें थॉमस परिवार के सदस्यों की है। इस पूरी कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग कब्र के ऊपर की मिट्टी को हटाते हैं और उसके ऊपर की सिल्लियों को हटाते हैं। इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। सबसे पहले जिस कब्र को खोदा गया उसमें एक 59 साल की महिला अनन्नम्मा थॉमस की डेड बॉडी थी। दफनाने के 17 साल बाद जब इस कब्र को खोदा गया तो डेड बॉडी के अवशेष ही बाकी थे। लाश पूरी तरह से सड़ गई थी, केवल कंकाल बाकी था। दूसरी कब्र टॉम थॉमस की थी। ये अनन्नम्मा थॉमस का पति था। इन पति पत्नी की उम्र में 6 साल का अंतर था। इसके बाद तीसरी कब्र के खोदे जाने का नंबर था। तीसरी कब्र 8 साल पुरानी थी जो एक नौजवान की थी, वो इन दोनों का बेटा था रॉय थॉमस। चौथी कब्र 5 साल पुरानी थी जो अनन्नम्मा के भाई थे, उसका नाम था मैथ्यू। इसके बाद अगली कब्र को खोले जाने का नंबर था जो कि 5वीं कब्र थी। ये कब्र एक बच्ची अल्फाइन की थी। 2 साल के इस बच्ची की मौत साल 2014 में हुई। इसके बाद इस दिन जिस आखिरी कब्र को खोदा गया वो अल्फाइन की माँ की थी जिसे साल 2016 में दफनाया गया। सिली टॉम थॉमस के बेटे साजू की पत्नी थी। अल्फाइन साजू और सिली की ही बेटी थी। पुलिस ने इन लाशों के अवशेष को बरामद किया, फिर उनको फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेज दिया जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इन सभी की मौत कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, आखिर उनकी मौत का कारण क्या था। इस मामले की कंप्लीट जांच हुई। जब जांच रिपोर्ट के सामने आई उस जांच रिपोर्ट में लोगों ने जिस सच्चाई को देखा उसने सबको हैरान कर दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस सदी के शुरुआत में चलना पड़ेगा। साल 2002 में इस बड़े से घर में थॉमस परिवार रहा करता था। दिन बड़े हंसी खुशी से गुजर रहे थे। इस परिवार में अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस नाम के पति पत्नी रहा करते थे। ये दोनों ही रिटायर्ड कर्मचारी थे। अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। इन दोनों के 2 बेटे थे रॉय थॉमस और रोजो थॉमस। रोजो थॉमस अमेरिका में सेटल था जबकि रॉय थॉमस अपनी पत्नी जोली के साथ अपने माता पिता के साथ रहा करता था। इसके अलावा इस परिवार में एक और सदस्य रहा करता था, वो था टॉम थॉमस का साला और अनम्मा का भाई मैथ्यू। टॉम थॉमस के भाई का लड़का था साजो थॉमस, वो भी अपनी पत्नी सिली थॉमस के साथ इसी मकान में रहा करता था। इन दोनों की एक बेटी थी अल्फाइन, वो भी इसी घर में रहा करती थी। साल 2002 के सितंबर महीने की 22वीं तारीख थी जहां से इस घर की बर्बादी शुरू होती है। इस घर में मौत का सिलसिला शुरू होता है। अनम्मा एकदम स्वस्थ थी और अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। अचानक अम्मा को बेचैनी महसूस होती है, उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। लोगों ने समझा कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। लाश का पोस्टमार्टम किए ही अन्ना को दफना दिया गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता है और आगे चलकर 6 साल बाद इस घर में एक बार फिर इसी तरह से घटनाक्रम रिपीट होता है। जी हाँ, उसकी मौत भी कुछ इसी तरीके के हालातों में हो जाती है। हार्ट अटैक की आशंका के चलते टॉम थॉमस का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और उनकी डेड बॉडी को दफना दिया गया। इसके लगभग 3 साल बाद 3 अक्टूबर साल 2011 में रॉय थॉमस की भी मौत हो जाती है। इस घर पर हुई ये तीसरी मौत भी उन्हीं हालातों में हुई जिनमें की पहली 2 मौतें हुई थी।
पर इस घर में रहने वाले मैथ्यू जो कि बच्चों के मामा भी थे, उन्होंने रॉय की मौत के बाद जो नोटिस किया वो ये था कि जितने भी लोगों की मौत हो रही थी उनके मुंह से एक अजीब सा झाग निकल रहा था। इस इंसिडेंट ने इस घर में हो रही हत्याओं को लेकर एक संदेह पैदा कर दिया। मामा मैथ्यू के मन में पैदा हुआ ये शक यूं ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे कारण भी था। मैथ्यू ने जब रॉय के शव की ऑटोप्सी कराने के लिए कहा तो घर वालों ने मना कर दिया। खासतौर से रॉय की पत्नी जोली ने ये कह दिया कि इस मामले में पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मामा मैथ्यू जिद पर अड़ गए और उनकी जिद की वजह से रॉय थॉमस की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम में रॉय थॉमस की डेड बॉडी में पॉइजन पाया गया, लेकिन पॉइजन के सोर्स का पता नहीं लगा। कंफ्यूजन इस बात का रहा कि शरीर में जहर खुद ब खुद डिवेलप हुआ या फिर किसी बाहरी सोर्स के जरिए आया। कंफ्यूजन, अधूरी जानकारी और आधी अधूरी रिपोर्ट की वजह से इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया गया और रॉय थॉमस की डेड बॉडी को भी दफना दिया गया। इस घटना के 3 साल बाद 24 अप्रैल साल 2014 को मामा मैथ्यू की मौत भी उसी सिचुएशन में हो जाती है। मरते समय इनका भी जी मचलाया था, मुंह से झाग आया था और फिर ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनके भी मौत की ऑटोप्सी नहीं कराई गई और शव को दफना दिया गया। इस मौत के बाद तो आसपास के लोगों को भी शक हो गया कि इस घर में लगातार मौतें हो रही हैं। कोई तो कारण है। लोग इस घर के बगल से होकर गुजरने में भी डरने लगे। 3 मई 2014 को ही इस घर में एक और मौत होती है। वो मौत ही 2 साल की छोटी बच्ची अल्फाइन की। वो बच्ची पानी पीते पीते ही अचानक सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगी और इसके बाद उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत ने वाकई में आस पड़ोस के लोगों को बहुत दुखी कर दिया। इसके बाद 11 जनवरी साल 2016 को घर में रहने वाले साजू की पत्नी सिली की भी मौत हो गई। ये घर में 6वीं मौत थी। इस लाश को भी पहले वाली डेड बॉडीज की तरह दफना दिया गया। अब घर में रहने वाले सभी सदस्यों में केवल 2 लोग बचे थे, सिली का पति साजू और रॉय की पत्नी जोली। इसके बाद साल 2017 में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया। जहां इस घर में घट रही मनहूस घटनाओं के चलते लोगों को घर के बचे कुछ 2 सदस्यों की चिंता हो रही थी, वहीं साल 2017 में इन्हीं 2 सदस्यों ने आपस में शादी कर ली। इस शादी से अमेरिका में बैठे थॉमस दंपति के एक और बेटे रोजो को शक हुआ। वो अमेरिका से भारत वापस आए और उन्होंने पुलिस से इस मामले में जांच कराने का अनुरोध किया, लेकिन समस्या ये थी कि इस मामले में किसी तरह का कोई सबूत मौजूद नहीं था। रोजो ने अपने भाई रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई और इसके आधार पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। जब घर की तलाशी ली गई तो घर के किचन में साइनाइड नाम का पॉइजन पाया गया। ये बहुत ही खतरनाक जहर होता है। साइनाइड नाम के इस शहर की एक खासियत ये होती है कि अगर इसे किसी व्यक्ति को लगातार कुछ दिनों तक दिया जाए तो थोड़े समय बाद उस व्यक्ति की मौत इस तरीके से होती है कि वो पूरी तरह से नेचुरल लगती है। इसके बाद कब्र से सभी लाशों को निकालकर जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो सभी में एक कॉमन बात ये समझ में आई कि इन सभी को लंबे समय तक साइनाइड जहर दिया गया, जिसके चलते इनका शरीर भीतर से खत्म हो गया था, फिर इनकी मौत हो गई। पुलिस को घर की बहू जोली पर शक हुआ। उसने जोली से सख्ती से पूछताछ की, तब जोली ने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि जायदाद हड़पने के लिए उसने अपने सास ससुर को मार दिया। वो शुरू से ही गुड लुकिंग पति चाहती थी, लेकिन उसका पति वैसा नहीं था, इसलिए उसने अपने पति को भी मार दिया। इसके बाद उसने सिली और अल्फाइन को इसलिए मारा क्योंकि साजू अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था। अगर वो उसको नहीं मारती तो साजू से वो कभी शादी नहीं कर पाती। पुलिस ने आगे चलकर सुनार की दुकान के और 2 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार लिया जो जोली को साइनाइड लाकर दिया करते थे। जोली के दूसरे पति साजू से भी पूछताछ की गई और फिलहाल उसका इस जुर्म में अभी तक कोई हाथ नजर नहीं आया। पुलिस की जांच अभी जारी है। उम्मीद है कि इस मामले में सभी दोषियों को कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलेगी। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है कॉमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।